उन्होंने नहीं देखा है, उनको काट के दिखाया गया है, समझे? तो देवियो और सज्जनों, बिग बॉस इस दुनिया का ऐसा शो है जिसमें जाने के बाद इंसान इंसान से टट्टो का सौदागर बन जाता है। बिग बॉस इस दुनिया का ऐसा शो है जिसमें जाने के बाद इंसान एक बार तो ये जरूर सोचता है, जो मैं इधर आया। अरे नहीं भाई, ये टीवी शो किसी भी अरे गहरे नत्थु कैरी के लिए नहीं, बल्कि किसी भी अरे गहरे नत्थु कैरी के लिए है। चलो मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे ही बंदे बेवकूफ थे तो इस बकवास शो में गए। ये शो इतना बायस्ड है, इतना बायस्ड है पूजा दीदी के साथ जितना बायस्ड करण जौहर हुआ स्टार किड्स के साथ नहीं है। निकल यहाँ से, निकल। और आज की वीडियो में मैं तुमको बिग बॉस की डार्क साइड बताने की कोशिश करूंगा, जिसको सुन के तुम्हारे पांव तले जमीन नहीं बल्कि जमीन तले पांव खिसक जाएगा। पर उससे पहले बात करते हैं अपने दोनों बंदों के बारे में। अब जो भी कहो, हमारे ये दो यूट्यूबर्स भाई ने शो में जाके उसके अंदर चार चांद जरूर लगा दिए थे, और शायद इसी कारण इस साल बिग बॉस को उतना ही रिस्पांस मिल रहा था जितना मियां खलीफा के न्यू वीडियो पर रिस्पांस मिलता है। बिग बॉस टीआरपी का भूखा है, और टीआरपी के लिए बिग बॉस बिग लॉस नहीं बल्कि हम लोगों को बिग शॉक देने की तैयारी कर रहा है। देखो भाई, मेरे हिसाब से अब कहीं ना कहीं बिग बॉस में किसी भी यूट्यूबर्स को नहीं जाना चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूबर्स का लेवल उतना ही ज्यादा है जितना बिग बॉस अफोर्ड नहीं कर सकता। और वही कुछ लोग मेरी ये बात सुन के कहेंगे, अबे तू कौन होता है बे ये कहने वाला कि किसको बिग बॉस में जाना चाहिए और किसको बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए। तो भाई जाने का नतीजा तुम यहाँ पे खुद देख सकते हो। लिसन एलविश, इतना हरामी तो नहीं था मैं जितना अब हो गया हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे सबको पता है कि एलियस ने जो कुछ भी बोला है उसका इंटेंशन गलत नहीं था। हाँ, उसने जो चीज बोला वो गलत था, और इस चीज को लेकर एलियस भाई को टारगेट करना प्लस फुगड़ा इंसान को भी टारगेट करना मेरे हिसाब से तो गलत है भाई। अब मेरा बचलता तो मैं बिग बॉस को द ग्रेट खली से पिलवाता, पर वो क्या है ना, उससे पहले ग्रेट खली मेरे को ही पेल देंगे। अब बिग बॉस में पूजा भट्ट को इतने दिन हो गए हैं, और इन लोगों ने एक बार भी पूजा भट्ट को गलत नहीं बोला है और नहीं टारगेट किया है, जबकि सबको पता है कि पूजा भट्ट शो में कितनी सही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब जैसे हर सलमान खान के लिए एक विवेक ओबेरॉय होता है, वैसे ही हर चूतिया शो के लिए एक बड़े बाप का औलाद भी जरूर होता है। अब मुझे तो लगता है कि ये लोग पूजा भट्ट को ही विनर बनाएंगे। पूजा भट्ट ने इंग्लिश में गाली दिया था, पर फिर भी उसको कुछ नहीं बोला गया था। पर यहाँ पे फुगड़ा और एलियस ने एक चीज क्या बोल दी, वो भी मजाक में, तो इन लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया और एलियस भाई को रुला दिया। क्या मतलब पूजा भट्ट को रुलाया तो महेश भट्ट बिग बॉस फाड़ देगा? अच्छा, देखो भाई, बिग बॉस में जाना इट्स लाइक अपनी ही बेइज्जती करवाना। अगर आपके पास फैन बेस है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अमीर बाप और अमीर बहन है तो फैन बेस वाले चाहे कितना भी कुछ कर ले, वो अपनी जगह पे सही क्यों ना हो, पर फिर भी बिग बॉस उनको पब्लिक के सामने चूतियाई दिखाएगी। चला, अब पता चला कि ध्रुव राठी जिंदगी में कभी भी बिग बॉस में ना जाने के लिए क्यों बोल रहा था। ध्रुव, बिग बॉस में जाओगे? अपना काम कर रहा। बिग बॉस में चाहे कोई भी जाए, यहाँ पे कुछ भी फेयर नहीं होता। जिसके पास बॉलीवुड में पहुंच है वही इस शो का राजा है, और ये चीज बोलकर मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ तो किसी भी क्रिएटर या सेलिब्रिटी के लॉयल टट्टे बन जाते हैं। अरे भाई, टट्टा बनना है तो बनो, पर ये तो देखो कौन सही है और कौन गलत। एलियस और फुगड़ा इंसान ये दोनों अपनी जगह पे सही है, और इसलिए ही लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो भाई, मैं पक्षपात नहीं करता, मैं फैन बनता हूँ पर अंधभक्त नहीं। और अच्छी बात इतनी है कि हमारे दोनों यूट्यूबर्स भाई शो में बहुत ही अच्छा कर रहे थे, पर फैक्ट की बात यह है कि अब बिग बॉस वाले इनकी वैसे ही मारेंगे कि जैसे जॉनी सिंह। अब बिग बॉस वाले खुद चाहते हैं कि अभिषेक और एलियस का एंगल बने। बिग बॉस ये चाहता है कि इन दोनों के बीच वैसे ही लड़ाई हो कि जैसे ब्रदर्स मूवी में अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की लड़ाई हुई थी। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। पर हमारे ये दोनों भाई एकदम करण अर्जुन की तरह साथ में हैं। इनके बीच लड़ाई किया बल्कि लड़ाई के नाम पे मजाक भी नहीं हो रहा है, और सारी ये चीज देख के बिग बॉस का गांड जल गया और उन लोगों ने एलियस को टारगेट कर दिया। अब इसे होगा क्या कि फुकरा इंसान एलियस से ज्यादा बातचीत नहीं करेगा और इनके बीच मनमुटाव बढ़ेगा, और एक दिन इनका गुस्सा फूटेगा, और उस दिन बिग बॉस टीआरपी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी और यूट्यूबर्स एलियस वर्सेस अभिषेक पे वीडियो बनाएंगे। देखो भाई, बात साफ है, मैं स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा था यूट्यूबर्स को बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए, स्पेशली अगर कोई एक बंदा गया हुआ है तो दूसरे को नहीं जाना चाहिए। अब हाँ, इनके साथ भेदभाव तो हो रहा है, पर एक अच्छी बात यह है कि ये भेदभाव देख के बाकी यूट्यूबर्स बिग बॉस में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब बहुत हो गया सम्मान, ये लोग पूजा भट्ट पे उंगली क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं तो बस यही सोच रहा हूँ, बाकी तुम समझदारी हो, तुम्हें खुद पता है कि बिग बॉस में क्या चल रहा है। तो आज की वीडियो हम यही रैप अप करेंगे, मैं ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे फनी वे में रोस्ट वीडियो बनाता हूँ। तो अगर तुम्हें कोई ट्रेंडिंग टॉपिक मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में ही बताना कि क्या मैं कहीं पे गलत था, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तो हाँ, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग।